अभी जैसा कि मैंने बताया, मैं बारसलोना आई हूँ और बेटी के जो फ्लैट है उसमें रुकी हुई हूँ। तो चलिए आपको सैर कराती हूँ अंदर, फ्लैट कैसा है, यहाँ पे किस तरह से रहते हैं। और थोड़ा सा गंदगी को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने आके कुछ थोड़ा फैला दिया है अभी। तो चलिए अंदर घुसते। ये है दरवाज़ा और ये है हमारी बेटी और यहाँ हम आ गए। और यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जूते खुले हुए हैं और एक मिरर लगा हुआ है ऊपर, बहुत ही खूबसूरत सा ये शेड है। और यहाँ एंटर करने के साथ ही एक वॉशरूम है, ये देखिए अभी आपको अंधेरा दिख रहा है, मैं आपको दिखलाती हूँ। ये है वॉशरूम, बहुत ही बढ़िया सा क्लीन सा, यहाँ भी बहुत अच्छा मिरर लगा हुआ है। और नहाने, मतलब इतने छोटे से स्पेस में सब कुछ है। और चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक हीटर भी लगा है कि अंदर का बाथरूम जो है वो गर्म रहे। और अब निकलते हैं यहाँ से, लेफ्ट साइड या राइट साइड, चलिए ये राइट साइड ले जा रही है तो राइट साइड आ रहे हैं। ये है बहुत ही बड़ा सा हॉल और वहाँ एसी लगा है, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता कि यहाँ एसी की ज़रूरत क्या होगी, क्योंकि काफ़ी कम है टेम्परेचर, अभी भी 15-16 डिग्री है टेम्परेचर यहाँ का। बहुत ही बढ़िया रिक्लाइनिंग चेयर है और टेबल है और उसके साथ कुर्सियाँ हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आप बिल्कुल मत देखिएगा कि गंदगी क्या फैला रखी है। ये सोफ़ा है, इधर भी एक कुर्सी है अच्छी सी, सुंदर सा लैम्प है, बड़ा सा मिरर है और यहाँ से ये बालकनी खुलती है बिल्कुल। देखिए ये मार्केट है सामने, और वो उधर आपको एक दुकान दिख रही होगी, वहाँ से ये लोग डेली यूज़ का सामान लेके आते हैं। और अंदर का देखते हैं आप, ये अगर कांच बंद हो जाए तो जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। आप देखिए, ये बिल्कुल साउंड प्रूफ कमरा हो जाता है। और अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, जो मेन चीज़ है यहाँ टीवी ये सब लगा हुआ है, तो ये फुली फर्निश्ड टाइप से है। अब हम दूसरी तरफ अगर आते हैं तो जो सबसे पहला है वो है किचन। ये है किचन, चलो दिखलाओ किचन में क्या क्या है। किचन कम्स विथ ओवन, तो यहाँ देखिए माइक्रोवेव है, ओवन और माइक्रोवेव है, नीचे कुछ ड्रॉर है। तो यहाँ पे चूंकि दो लोग रहते हैं तो इन लोगों ने ड्रॉर को थोड़ा सा आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो थोक भाव से सामान चाहिए तो इसमें रखा है। और साथ साथ ये बड़ा सा फ्रिज है, लंबा सा, इतना बड़ा फ्रिज तो हमारे पास भी नहीं है। और इधर एक छोटा सा टेबल और कुर्सी है, ऊपर भी सजावट कुछ की हुई है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव है, इलेक्ट्रिक स्टोव है जिसमें कि तीन हॉट प्लेट्स हैं। आप देखिए ये हॉट प्लेट्स हैं और तीनों का ऑपरेशन यहाँ से होता है। साथ साथ ये नीचे ड्रॉअर्स हैं, सुंदर से अच्छे से रखा भी है। और इधर भी अलमारी है और ये कॉफ़ी की मशीन है, ऊपर अलमारियाँ हैं, इसके अंदर भी कुछ है। ये सब देखिए, इसमें भी सारा सामान रखा हुआ है। और ये क्या है, डिश वॉशर, ये देखिए ये डिश वॉशर भी है। और इधर बेसिन लगा हुआ है, आप खुद धोइए या डिश वॉशर से धोइए। और नीचे में इसका क्या है, ये नीचे सामान रखने के लिए सफाई का, ये भी देखिए ये सफाई का सामान रखने के लिए है। और यहाँ पे भी और बर्तन रखने का है। और इससे लगा हुआ जो एरिया है इसमें देखिए वॉशिंग मशीन है। और ऊपर में क्या है, सफाई का सामान, इसमें भी जो ये जो सोप वोप लगते हैं वो सब और सफाई का सामान ये रखा हुआ है। और यहाँ देखिए ये बड़ा सा हीटर है, गर्म पानी के लिए, बहुत ही लंबा सा है, मैं आपको इधर से दिखलाती हूँ। ये देखिए कितना लंबा सा है। और ये खुला स्पेस है जहाँ पे कपड़े अपड़े आप डाल सकते हैं सूखने के लिए। और ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, ये क्या स्ट्रक्चर, अच्छा ये ऐसे ही है, तो ये खुला स्पेस है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी चलते हैं दूसरी तरफ, फिर से किचन से निकले और हम लेफ्ट साइड चले आए हैं। लेफ्ट साइड आए हैं तो यहाँ ठीक सामने इसका कमरा है और बहुत ही बढ़िया, देखिए यहाँ पे शेल्फ लगे हुए हैं, ऐसा सजा के रखा हुआ भी है। और ये है सब हम लोग जो आए हैं अभी,
हम लोगों ने सूटकेस लगा दिए हैं ढेर सारे। ये एक अलमीरा फुल साइज़ है, उधर एक अलमीरा फुल साइज़ है, बिस्तर है, बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, खिड़की है, और इधर एक टेबल है, कुर्सी है, और इधर देखिए बढ़िया एकदम मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रही है, और इधर सबके जो है बालकनी है पीछे, सब में फूल वूल सब लगे हुए हैं खूबसूरत से। बार्सिलोना का आर्किटेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये जो आप देख रहे हैं वो अंदर का अंदर के साइड है, और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स रहती हैं वो स्क्वायर शेप रहती है। हाँ। तो ये अंदर के साइड का व्यू है, आप कभी बार्सिलोना का एरियल व्यू ज़रूर देखिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी ऑर्गेनाइज सिटी है। तो ये है बार्सिलोना, और यहाँ भी टेबल है, कुर्सी है, इसमें सजा के रखा हुआ है, इसमें रैक्स है छोटे, और यहाँ देखिए हर जगह हीटर है, आप इन सबको चला दें तो पूरा रूम गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जगह एक्चुअली ठंडी है। और ये जो कमरा है ये किसी जो इनके साथ एक और रहती है फ्लैटमेट उनका है, तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं, दखल नहीं दे रहे हैं, उसमें भी अटैच्ड बाथरूम है, और यहाँ एक दूसरा बाथरूम है, ये और बड़ा बाथरूम है, आप देख लीजिए ये रैक वैक सब है, इसमें सुंदर सा बेसिन है, और इसमें जो नहाने का एरिया है बिल्कुल सेपरेटेड, और यहाँ भी देखिए ये हीटर लगा हुआ है, ये है नहाने का एरिया पूरा बिल्कुल सेपरेटेड, और सूखा सूखा सा सब है। और अब इसके बगल में जो कि बिल्कुल हम जब आते हैं तो किचन के बाद ये कमरा पड़ता है, तो यहाँ पे हमारे पतिदेव लेटे हुए हैं, और इस तरफ देखिए अच्छा सा टेबल, ड्रॉअर, आईना, कुर्सी, और इधर खिड़की है या रैक्स है, इधर अलमीरा है फुल साइज़ का, और पंखे और एसी की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पंखा भी है इन केस किसी को गर्मी लगे तो। तो ये है छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छे से बना हुआ घर, फुल्ली फर्निश्ड घर। होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी अब मैं यूरोप आई हुई हूँ तो धीरे धीरे दिखाऊंगी, और अब आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।